सियासत में कल से 15 मई तक रहेगा लॉकडाउन, जरूरी खिदमात पर पाबंदी नहीं। तमाम मजाहिब और समाजी तकरीबात पर पाबंदी, सेहत खिदमात पहले की तरह रहेगी जारी। वज़ीर नीतीश कुमार ने दवा और ऑक्सीजन की सप्लाई पर सूरत पर यकीनी बनाने का हुक्म दिया। और बेगूसराय में 5 बस के डूबने से हुई मौत। और खबरें तफसील से, रियासती हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते बहरान पर काबू पाने के लिए पूरी रियासत में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद मुल्क में लॉकडाउन लगाने वाली बिहार छठी रियासत है। आज आफात मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद वज़ीर नीतीश कुमार ने ट्वीट कर 15 मई तक लॉकडाउन लगाए जाने की इत्तला दी। लॉकडाउन के दौरान जारी रहने वाली सरगर्मियों के ताल्लुक से आफात मैनेजमेंट ग्रुप को कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरारी शरण ने कहा है कि कोरोना बहरान पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10% से अधिक बनी हुई है, अतः वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 5 मई से 15 मई तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय। नंबर 1, राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इनके अपवाद में आवश्यक सेवाएं यथा जिला प्रशासन, पुलिस। इससे पहले कल वज़ीर आला ने अपने सीनियर माविन के साथ मीटिंग करके कोरोना पर काबू पाने के लिए तबादला ख्याल किया था। आफात मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक को कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के जायजे के बाद 5 मई से 15 मई तक पूरी रियासत में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इस दौरान रियासत के सभी दफातर बंद रहेंगे, जरूरी खिदमात को बंद से अलग रखा गया है। जरूरी खिदमात में जिला इंतजामिया, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई, सफाई, फायर ब्रिगेड, सेहत, आफात मैनेजमेंट, टेली मवासलात और महकमे डाक के दफातर पहले की तरह काम करते रहेंगे। अस्पताल और दीगर तिब्बी अदारे, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम और एम्बुलेंस सर्विस जारी रहेगी। इस दौरान कमर्शियल और दीगर अदारे बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी मजहबी मकामात और आवाम के लिए बंद रहेंगे। किसी तरह का मजहबी या समाजी तकरीब नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट ने कोरोना की सूरत हाल से मुताकिल रियासत हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराज़गी का इजहार किया है। पटना हाईकोर्ट ने वफाद आम्मा की अर्जी की सुनवाई के दौरान 2 जज की बेंच ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में रियासती हुकूमत नाकाम साबित हुई। पंच ने 4 मई तक हुकूमत के एडवोकेट जनरल को इस सिलसिले में हकीकत हाल से आगाह करने का हुक्म दिया था कि रियासत में लॉकडाउन कब तक लगेगा। अदालत ने समाअत के दौरान रियासत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और मरीजों को ज़रूरत के मुताबिक बेड दस्तयाब नहीं होने पर भी फिक्रमंदी का इजहार किया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कोरोना मरीजों के लिए ज़रूरी दवा और ऑक्सीजन की सप्लाई हर हाल में यकीनी बनाने का ज़िला मजिस्ट्रेटों को दिया है। पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की जायजा नशस्त में वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत में दवा और ऑक्सीजन की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने अफसरान को कोरोना मरीजों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुस्तैद रहने के लिए कहा। इसके अलावा वज़ीर आला ने आवाम से भी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। उन्होंने इंतजामिया और पुलिस से कोरोना की गाइडलाइन पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म दिया। वज़ीर ने अफसरान को गांव में माइक के जरिए लोगों को कोरोना के ताल्लुक से बेदार करने का हुक्म दिया। इस बुलेटिन का सीधा नशर आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ बिहार में देख सकते हैं। खसूसी जानकारी के लिए हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज डीडी न्यूज़ बिहार से जुड़े रहें। रियासत में कोरोना के लिए नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 11,470 नए कोरोना मुतासरीन की शनाख्त हुई है। पटना में 2,028 नए कोरोना मरीज मिले हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रियासत में 13,603 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रियासत में सेहतयाब होने की शरह 78.29% हो गई है।
फाल मरीजों की तादाद 1,09,945 है। राजधानी पटना के मुख्तलिफ सब्जी बाजार में लगने वाली भीड़ को रोकने के लिए जिला इंतजामिया ने राजेंद्र नगर वाक़े रेनबो मैदान का मुआयना किया। इस मौके पर डीएम, एसएसपी और टाउन कमिश्नर मौजूद थे। कंकरबाग और राजेंद्र नगर सब्जी बाजार को इसी मैदान में जल्द ही मुंतकिल किया जाएगा। राजधानी पटना में कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए कोरोना टीकाकारी तेज कर दी गई है। मुख्तलिफ टीका मराकज़ पर भी जाकर लोग टीका ले रहे हैं। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल पटना में भी टीकाकारी हो रही है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय कुमार दुबे ने बताया कि इस 10 मार्च से शुरू हुए टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक 3,180 अफराद को टीका लगाया जा चुका है। जब वैक्सीनेशन के लिए आपका समय आता है तो निश्चित रूप से आप वैक्सीनेशन लें, क्योंकि एक बात तो जरूरी है कि आइदर वैक्सीन लेने के बाद या तो आदमी कोविड से ग्रसित नहीं होगा, और ग्रसित होगा भी तो उतना वो हार्म नहीं करेगा, कॉम्प्लिकेशंस कम होगा और जल्दी ही इससे आदमी उबर पाएगा। पंचायती राज के वजीर सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिला के पूरब सराय में डेडिकेटेड कोविड सेंटर जीएनजी अस्पताल और सदर अस्पताल का मुआयना किया। कोरोना की सूरत हाल के ताल्लुक से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा है कि कोरोना मरीजों की सहूलत के लिए जिला के अस्पतालों में 100 इजाफी बेड लगाने का नज्म किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना की जाँच के लिए 40,000 एडिशन किट भी फौरन दस्तयाब कराने का हुक्म दिया है। जनाब चौधरी ने अपने खजाने से 10 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की गाड़ी देने का ऐलान किया है। अच्छी है, लगातार लोग यहाँ ऑफिसर से लेकर हमारे लोग काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो एक सप्ताह पहले तक दिक्कत हो रही थी, आज धीरे धीरे हमारे सुचारू रूप से ऑक्सीजन भी यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए पंचायत से लेकर जिला स्तर पर सभी व्यवस्था को सरकार कौमी नज़र से देख रही है। जहाँ जहाँ कोई भी दिक्कतें आएगी, सरकार उसको पूरा करने का काम। मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर जिला का इंचार्ज वजीर बनाए जाने के बाद जनाब सहनी कोरोना मुतासरीन की हालत जानने के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। इंचार्ज वजीर ने डीएम, सीनियर एसपी और दूसरे इंतजामिया के अफसरान मीटिंग को कोरोना का जायजा लिया। मीटिंग के बाद नामा निगारों से बातचीत करते हुए जनाब सहनी ने कहा कि कोरोना मरीजों की परेशानियों को खत्म करने के लिए खाका बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और दवा की कमी नहीं होने दी जाएगी। मरीजों की सहूलत के लिए एक ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर उपचार किया जा सकता है, कोई चीज़ का किल्लत ना हो। ऑक्सीजन से लेकर हर विधि व्यवस्था पे हम लोगों को खड़ा रहना है 24 आवर्स, खास करके मुजफ्फरपुर के जनता के लिए, बिहार के जनता के लिए, कि खड़ा रहना, कि उनको कोई भी चीज़ का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। पूर्णिया जिले में कोरोना की वबा को रोकने के लिए डीएम राहुल कुमार ने पूर्णिया सदर अस्पतालों में अफसरों के साथ खसूसी मीटिंग की। मीटिंग के बाद डीएम ने नामानिगारों को बताया कि अस्पताल में बेड बढ़ाया गया है, 30 वेंटिलेटर भी लगाया जा चुका है। सरकारी अस्पतालों के अलावा 10 प्राइवेट अस्पताल समेत बनमुखी और धमधगा सबसे डिवीजन में भी कोरोना मरीजों के इलाज का इंतजाम किया गया है। ग्रेजुअली हम लोग जो नंबर ऑफ बेड्स हैं उसको इंक्रीज कर रहे हैं, और प्रतिदिन नई फैसिलिटी को आइडेंटिफाई करके और वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी सारी सुविधाओं के साथ जो वहाँ डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल वर्कर हैं, उनको डिप्यूट करके उसको शुरू किया जा रहा है। इस कोरोना वबा से बचाव के लिए नवादा ज़िले में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बड़े पैमाने पर मास्क बनाकर तकसीम किया जा रहा है। इससे ख्वातीन बेरोज़गार हुई है, और हसबा के एग्जीक्यूटिव अफसर मुनेश कुमार ने बताया कि नगर परिषद में 1,685 खानदानों की शनाख्त उन्हें मास्क देने के लिए की गई है। हर खानदान को 6-6 मास्क दिया जाएगा। जीविका दी जाने की बताया है कि अब तक 10,000 मास्क बनाया जा चुका है। दस हजार मास्क वितरण की योजना है। इस वितरण के लिए 1,650 परिवारों का सर्वे किया गया है, और प्रत्येक परिवार को 6 मास्क दिए जाने हैं।
मास्क निर्माण की जिम्मेवारी स्वयं सहायता समूह दीदियों को दी गई है। इस योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स जैसे सब्जी विक्रेता, रेहड़ी वाले, ठेले वाले या रिक्शा चालक, स्लम में निवास करने वाले लोग और सफाई कर्मियों को मिलेगा। 10,000 मास्क बनकर तैयार हो गया है और कल से हम लोग वेंडर फुटपाथी सबको कल से मास्क हम लोग वितरण करेंगे और हम सभी महिलाओं को मास्क बनाने से एक रोजगार भी मिला है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। रियासत में कल से 15 मई तक रहेगा लॉकडाउन, जरूरी खिदमात पर पाबंदी भी। तमाम मजाहिब और समाजी तकरीबात पर पाबंदी, सेहत खिदमात पहले की तरह रहेगी जारी। वजीर नीतीश कुमार ने दवा और ऑक्सीजन की सप्लाई हर सूरत में यकीनी बनाने का हुक्म दिया। और बेगूसराय में 5 बच्चों की डूबने से हुई मौत। नाजरीन, कोविड मरीजों की तादाद फिर बढ़ रही है, लिहाजा आप तमाम लोगों से अपील है कि जरा सी भी लापरवाही नहीं बरते। 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोग टीकाकारी के लिए कोई ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मास्क पहने, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।